वेलकम बैक टू द फैक्ट्स एंड क्यूरियस। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा डरावना होने वाला है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं फैक्ट्स अबाउट भानगढ़ फोर्ट, यानी कि भानगढ़ के किले के बारे में कुछ रोचक तथ्य। राजा माधव सिंह ने सन 1631 में भानगढ़ का किला बनवाया था। अगर आप दिल्ली से यहाँ पर पहुंचने का सोच रहे हैं तो 300 किलोमीटर की दूरी पर है, और अगर आप जयपुर से यहाँ जाते हैं तो सिर्फ 40 किलोमीटर का सफर आपको तय करना पड़ेगा। सदियों से इस किले का नाम भूतिया जगहों के नाम के साथ में जोड़ा जाता रहा है। यहाँ तक कि अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे दुनिया की सबसे ज्यादा डरावनी जगहें, तो उसमें इसका नाम जरूर आपको मिल जाएगा। इवन भारत सरकार ने भी एक बोर्ड लगाया हुआ है यहाँ पर, जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये जगह भूतिया है, आप शाम को यहाँ नहीं जा सकते। और भी ऐसे कई रोचक तथ्य हैं जो आगे हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। फैक्ट नंबर वन, ये शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा किला होगा जहां पर सरकार ने खुद ने एक बोर्ड लगाया हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि शाम के टाइम यानी कि सूरज ढलने के बाद आप इस किले के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि इस किले में कई ऐसे हादसे हो चुके हैं जो कि शाम ढलने के बाद ही हुए हैं। फैक्ट नंबर टू, यहाँ पर कई हादसे ऐसे हो चुके हैं जहां पर भूतों और आत्माओं को देखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि कई बार फ्रेंड्स यहाँ पर जा चुके हैं कि रात वहीं रुकेंगे, और जब वो रात रुकते हैं तो वो सुबह वापस नहीं लौटते, वो वहीं से गायब हो जाते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, आप सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। फैक्ट नंबर थ्री, इस किले के आसपास अगर आप देखेंगे, आप में से जो लोग गए होंगे, तो यहाँ पर कई छोटे बड़े मंदिर भी बने हुए हैं किले के आसपास। लोकल्स जो हैं वहाँ के लोगों का ये मानना है कि ये जो मंदिर हैं, ये इन भूतों को जो इस किले में हैं उनको काबू में रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। फैक्ट नंबर फोर, इस पूरे किले में जो भी आपको इमारतें दिखेंगी, जो भी आपको घर दिखेंगे, उनकी किसी की भी छत नहीं बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि कई बार यहाँ के लोगों ने इसकी छतें बनाने की कोशिश की, लेकिन छतें बार बार गिर जाती हैं। तभी इन लोगों ने फैसला किया कि इस जगह पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसे खाली कर कर चले जाना चाहिए। फैक्ट नंबर फाइव, इस किले के पीछे जो डरावनी कहानियां हैं, उसमें से एक फेमस कहानी है एक जादूगर और रानी रत्नावती की। वो जादूगर जो था वो रानी रत्नावती के प्यार में पागल हो चुका था, और किसी भी शर्त पर किसी भी कीमत पर उन्हें पाना चाहता था। फिर उसने एक षड्यंत्र रचाया, उसने एक तेल के ऊपर एक काला जादू किया और वो तेल दिया रानी रत्नावती को सर पर लगाने के लिए। लेकिन रानी को उसके षड्यंत्र के बारे में पता चल गया, उन्होंने तेल अपने सर में तो नहीं लगाया बल्कि उसे फेंक दिया, और जब फेंका तो वो एक पत्थर पर गिर गया, और बाद में उसी पत्थर से उस जादूगर की हत्या भी कर दी गई। लेकिन मरते वक्त उस जादूगर ने इस पूरी जगह को एक श्राप दे दिया कि यहाँ पर हमेशा मौत का साया मंडराता रहेगा। आई थिंक हो भी ऐसा रहा है, आज भी वो किला बिल्कुल वीरान और ऐसा सुनसान पड़ा है कि सरकार खुद उसे हॉन्टेड मानने को तैयार है। फैक्ट नंबर सिक्स, यहाँ पर एक कहानी और प्रचलित है। कहा जाता है कि जो मेन किला जिस जगह पर बना हुआ है, वहां पर गुरु बालूनाथ को दफनाया गया था। यहाँ के राजा जब इस किले को बनाने वाले थे, तब उन्होंने इसकी परमिशन ली, तो ये बताया गया कि आप किला बना लीजिए, लेकिन किले की परछाई गुरु बालूनाथ की समाधि के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। अगर गलती से भी किले की परछाई उनकी समाधि पर पड़ी तो आपका पूरा शहर तबाह हो जाएगा। हुआ भी यही, उन्होंने बना लिया लेकिन उसकी परछाई उस समाधि पर तो नहीं पड़ रही थी, लेकिन बाद में कई कंस्ट्रक्शन होने लगे जिनकी परछाई उस समाधि के ऊपर पड़ने लगी, और उसके बाद से आप जानते हैं शहर बर्बाद हो गया, ऐसी कथाएं बोलती हैं। फैक्ट नंबर सेवन, एक और अजीबोगरीब तथ्य, एक और अजीबोगरीब फैक्ट यहाँ का यह है कि यहाँ पर फॉरेनर्स की एंट्री पर बैन लगा हुआ है। एक्चुअली भारत सरकार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर जो भी जाता है वो या तो लौट के नहीं आता है या मर जाता है, इस टाइप की घटनाएं हो रही थी, और जिसमें ज्यादातर जो शिकार हो रहे थे वो फॉरेनर्स हो रहे थे। इसलिए जबरदस्ती बोल दें या मजबूरी में बोल दें, सरकार को ये नियम, ये कानून बनाना पड़ा। तो अगर आप इंडिया के बाहर से हैं और ये फोर्ट, ये किला विजिट करना चाहते हैं तो भूल जाइए। फैक्ट नंबर एट, एक तरफ तो ये किला बहुत ज्यादा हॉन्टेड या भूतिया किले माना जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। अगर इस किले की छत पर से चढ़कर आप नजारा देखेंगे तो वो आपको बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारा नजर आता है। फैक्ट नंबर नाइन, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ ये घटनाएं यहाँ पर लोकल लोगों के साथ हुई है या आम लोगों के साथ हुई है, बल्कि ये भी दावे किए गए हैं कि कई बार हमारे बॉलीवुड के फिल्म एक्टर एक्ट्रेस यहाँ पर शूटिंग कर रहे थे और उनको भी ऐसी अनहोनी चीज़ें दिखाई दी, जिसके बाद में उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई कि हाँ भाई ये किला हॉन्टेड है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, जहाँ पर हमने देखे भानगढ़ से जुड़े हुए कुछ डरावने सच।
आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो और नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक करना, अदरवाइज सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।